क्योंकि पूर्व में हमने 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए थे, उसी कड़ी में 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों जो अभियुक्त हैं वो भरतपुर इलाके के रहने वाले हैं। ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाने वाले गिरोह के 2 और आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज थाना पुलिस ने पूर्व में गिरोह के 6 गुर्गों को दबोच कर किया था रैकेट का पर्दाफाश। अधिकारियों व आम लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर, लड़कियों के नाम से चैटिंग कर, बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर, उनके अकाउंट में ब्लैकमेलिंग के रूप में डलवाकर, अजमेर में सेक्सटॉर्शन के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के फरार 2 अभियुक्तों को किशनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किशनगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने अंतर्राज्यीय सेक्सटॉर्शन व ऑनलाइन ठगी के मामले में खुलासा करते हुए बताया कि परिवादी नरसिंहपुरा जॉन्सगंज निवासी धनंजय कुमार झा की शिकायत पर इस रैकेट का खुलासा हो सका है। अन्य परिवादी अभी तक सामने नहीं आए हैं। परिवादियों के सामने आने पर और भी बड़े खुलासे हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में 6 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अभियुक्तों को आज और गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों में भरतपुर ब्रिजनगर कॉलोनी मथुरा गेट निवासी मोहित मित्तल और धर्मेश शर्मा हैं। यह दोनों मुख्य अभियुक्त ताहिर द्वारा दिए गए एटीएम से पैसा निकालकर अपना कमीशन रखने के बाद बाकी का पैसा ताहिर को दे दिया करते थे। रवि सामरिया ने बताया कि अभी तक 8 अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। बदनामी के डर से सेक्सटॉर्शन के परिवादी सामने नहीं आ पा रहे। थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि आरोपियों ने फेसबुक सहित अन्य सोशल अकाउंट्स पर फेक अकाउंट बना रखे हैं। वे पहले लड़की के नाम से चैट करते हैं, फिर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद पीड़ितों को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करते हैं। पकड़े जाने के डर से आरोपी न कैश लेते हैं और न ही रुपये अपने खाते में मंगाते हैं, बल्कि नए नए शहरों में जाकर प्लेसमेंट के ऑफिस खोलकर बेरोजगार युवकों को नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा देते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। जिस नंबर से अकाउंट खुलवाते हैं उसका फर्जी सिम और एटीएम भी अपने पास ही रखते हैं। पीड़ितों से उन्हीं के खातों में पैसे मंगवाते हैं, अकाउंट में पैसे आने के बाद एटीएम के जरिए निकाल लिया करते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फर्जी आईडी बना रखी थी, इसके अलावा कई फर्जी ईमेल अकाउंट भी बना रखे थे। आरोपियों ने देश के कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों से जब्त किए गए मोबाइल में कई जानकारियां हैं जिनसे सेक्सटॉर्शन के जरिए रुपये वसूले गए हैं। देखिए, जैसा कि आपको सभी को पूर्व में ध्यान है कि थाने द्वारा पूर्व में खुलासा किया गया था, अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी गैंग और सेक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का खुलासा पुलिस थाना किशनगंज द्वारा किया गया था। उसी कड़ी में, चूँकि पूर्व में हमने 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए थे, उसी कड़ी में 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दोनों जो अभियुक्त हैं वो भरतपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम है मोहित मित्तल, जाति अग्रवाल, निवासी सीताराम जी का मंदिर और हाल ब्रजनगर कॉलोनी पुलिस थाना मथुरा गेट, और दूसरा है धर्मेश शर्मा, 29 वर्ष का है, ब्रजनगर कॉलोनी पुलिस थाना मथुरा गेट को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनका मुख्य अभियुक्त जो वारदात में मुख्य रूप से शामिल रहा है, ताहिर नाम का अभियुक्त है, जो मेव इलाके का ही रहने वाला है भरतपुर के, और उसके द्वारा ये जो एटीएम्स थे ये इनको दिए जाते थे और ये इन एटीएम्स के थ्रू पैसा विड्रॉ करके वापस ताहिर तक पहुंचाते थे। कुछ कमीशन ये खुद के लिए रखते थे, बाकी ताहिर तक पहुंचाते थे। इस तरह से ये क्या है, पूरी एक गैंग बनी हुई है जो बाकायदा सिस्टमाइज पूरी हैंडल होती है, जिसमें एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति आकर के ऑनलाइन जो खाता खुलता है वो खाता खुलवाते थे, बेरोजगारों को झांसे में लेते थे। उसके पश्चात ये एटीएम्स और इनकी जो किट होती थी ये मेव इलाके में पहुंचती थी, फिर इन किटों के द्वारा ऑनलाइन विड्रॉ किया जाता था, कुछ ऑनलाइन पैसा जो जमा होता था उनको एटीएम्स के थ्रू विड्रॉ किया जाता था, और पूरी ये सिस्टमाइज गैंग है जिसको खोलने में सफलता प्राप्त की है और लगातार अनुसंधान जारी है। अन्य जो प्रकरण में अभियुक्त हैं जिनकी भी भूमिका है उनको भी जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर, मामले में टोटल कितने आरोपी हैं और कितने पकड़े जा चुके हैं? देखिए, अभी तक पिछली बार हमने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, 2 अब कर चुके हैं, लगभग 8 हो चुके हैं हमारे पास। 8 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की और मुलजिमान से जितनी पूछताछ होगी उसके बाद जितने इनका अभियुक्त इसमें सामने आएंगे उनको जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। जो ये फर्जी अकाउंट खोलते थे उसके और अभी तक देखिए परिवादी खुले तौर पर कोई सामने नहीं आया है, पुलिस में कंप्लेंट नहीं देना चाहता है, मौखिक रूप से बताते हैं लेकिन हमें कंप्लेंट किसी ने भी नहीं दी। इवन कि जो अजमेर के अंदर खाते खुले हैं उनमें भी केवल एक ही खाता धारक है जिसके द्वारा हमें पास कंप्लेंट की गई है, जबकि इसके अलावा कम से कम 5 से 6 खाते धारक अभी भी उनकी कंप्लेंट करना बाकी है।
इसके अलावा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, यदि कोई परिवादी इसमें वापस हमारे पास सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई। नहीं, सेक्सटॉर्शन को लेकर के अभी तक परिवादी सामने आए, केवल मौखिक रूप से जब इनके वीडियोस को देख करके हमारे द्वारा उस पर अनुसंधान किया गया था, उस पर पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि ये परिवादी है, उससे सामने वाले से कॉन्टैक्ट किया तो शायद लास्ट श्रम के कारण उसने इस बात को कहने से मना कर दिया। कोई अमाउंट सामने आया, कितना अमाउंट इन लोगों ने लिया था, लोगों बैंक अकाउंट कितने हद तक मिले इनके? देखिए, इनके पास जो इस प्रकरण से संबंधित है, नौ इन्होंने खुलवाए थे खाते। इसके अलावा इन्होंने खुद ने बताया कि हमारे पास बहुत खाते हैं जिनकी गिनती इनके पास भी नहीं है। एक बार खाते का जब यूज हो जाता है तो उस खाते में फिर ये बार बार यूज़ नहीं करते, उसको महीने भर तक यूज़ करते हैं, उसके बाद दूसरा खाता संख्या दूसरे बेरोजगार ढूंढ लेते हैं, उनको जासा देते हैं, उनके अकाउंट ले लेते हैं, इस तरीके से पूरा गैंग ऑपरेट होता है। अमाउंट मिला इनसे कुछ? अमाउंट ट्रांजेक्शन इनके खाते में 10-20 लाख का हो रखा है। जो अजमेर में खाते खुले हैं उनके बाद उनमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है और उसी के बाद वो कंप्लेंट सामने आई थी, क्योंकि उस परिवादी को लगा कि लगातार मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, डिपॉजिट होते हैं फिर विड्रॉल हो जाते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे किसी गलत काम में यूज हो जाए। उसको लेके पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया, हमारी टीम ने रात दिन काम किया, लीड ली और उसके पश्चात इस मुकदमे को खोला। शिकायत कितनी मिली सर अब तक और कितने लोग सामने? देखिए, पूर्व में जैसे मैंने बताया आपको कि एक परिवादी अभी सामने आया है और जो भी परिवादी सामने आएगा उसका नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।